हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मेथी मठरी की रेसिपी। ये चाय के साथ शाम को खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर इसमें ऑप्शनल है, अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये रही कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें आप डाल दें लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल, ये देखिए इस तरह से। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार ड्राई मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हाथों की सहायता से अब सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार इस तरह से ड्राई मिक्स कर लें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और ये जो मैदा है इसे आप अच्छी तरह से गूंद लें, ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जितनी पानी की ज़रूरत है उसी के हिसाब से आप जो ये मैदा है इसे अच्छी तरह से गूंद लें। तो यहाँ पर मैंने इसे गूंद लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट मैंने इसे गूंदा है। तो अब हम इसके छोटे छोटे लोए बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो लोए हमें उस साइज़ के बनाएं जैसे आप पूरी जिस तरह से बनाते हैं। तो पूरी का जो लोआ होता है जितना बड़ा होता है, नहीं जो बॉल जो बनता है जितना बड़ा होता है, जो मेथी के लिए जो लोया बनाएंगे वो उसके आधे साइज़ की होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोए बना लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोए ऐसे बना के रखे हैं। तो अब आपके पास 2 प्रोसेस है, या तो आप इसे बेल लें या फिर आप हाथों की सहायता से ही मठरी बना लें। तो मैं यहाँ पे हाथों में बना लूँ, ये देखिए इसे आप इस तरह से प्रेस कर करके धीरे धीरे करके आप इसे मठरी का शेप दे सकते हैं। या फिर आप कोई भी लोहे को ले और इसे बेलन की सहायता से आप बेल लें। तो यहाँ पर ये सारी मठरी हमने तैयार करके रख ली है। अब एक फॉर्क की सहायता से, नहीं कांटे चम्मच की सहायता से आप इस तरह से इसे पियर्स कर लें। तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी, ये देखिए इस तरह से। तो बस एक और आपको पियर्स करके दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, तो ये बन गई है हमारी मठरी। अब इसे हमें डीप फ्राई करना है। ये देखिए, सारी मठरियों को हमने इस तरह से पियर्स कर दिया, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करके रखा हुआ है। अब इसमें एक एक करके ये मठरी को आप छोड़ दें, ये देखिए। पहले आप तेल को थोड़ा सा हाई फ्लेम में डाल दें। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को मीडियम या फिर थोड़ा सा मीडियम लो पर रखें और मठरी को अच्छी तरह से धीरे धीरे करके फ्राई करें। क्योंकि जो मठरी होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, यानी तो अगर आपको उसे अच्छी तरह से फ्राई करना है तो मीडियम फ्लेम पे ही करें, वरना बाहर से ये कुड़कुड़ा हो जाएगा लेकिन अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गीला रह जाएगा। तो यहाँ पर ये मठरी बन गई है। तो मैं इसे एक्सेस ऑयल अब स्ट्रेन करके इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल देती हूँ। सेम प्रोसेस से हम बाकी के मठरियों को भी निकाल देते हैं। तो बस आपने देखा कितनी आसान मैदा मठरी की रेसिपी है ये। ये मेथी मठरी की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, काफ़ी क्रंची होती है और चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। प्लीज़ ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।